नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स की और इसका टाइटल है नो आईएमएफ बेलआउट फॉर पाकिस्तान, आईएमएफ स्ट्रिक्ट कंडीशंस। तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई बेलआउट पैकेज मिला नहीं, 10 दिनों तक बैठक चली और अब पता चल रहा है कि आईएमएफ ने अब एक वर्चुअल मीटिंग फिर से शुरू की है कि अभी बातचीत आगे जारी है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रही है। तो चलिए आइए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इस टाइम हंस रहा है हम पे कि कायद ने जो 1947 में पाकिस्तान बनाया था। इंडिया हंसता रहेगा हमेशा, इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया सिर्फ भभकियां मारता है। हिंदू हमसे मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। तुर्की की तरफ से तुर्की पाकिस्तान भाई भाई के नारे लगते, अच्छा लगता आपको? सर बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी होगी लाहौर में आते हुए, बुढ़ा हो गया मैं। आज के लाहौर में और पहले जैसे लाहौर में कोई फ़र्क है? फ़र्क है, पहले तमीज़ तहजीब थी, अब बदमाशी है। अब बदमाशी है, लोगों की जेबें कट रही हैं, जेबें छमाले बैठे हुए हैं। मेरे चचा ने एक बंदे को कहा कि जी मैं रेस में बहुत पीछे हूँ, तो उस बंदे ने आगे से कहा था भाईजान आप रेस में ही नहीं, हम तो सर उस रेस में नहीं जिसमें इंडिया इस टाइम शमूलियत कर रहा है। $570 अरब के असासे हैं, मतलब फॉरेक्स रिजर्व हमारा $3 अरब भी जो है इस टाइम गिर गया है। हिंदू हमसे मुकाबला नहीं करेगा। मैं आपकी बात से चले मुस्लिम कंट्री पे आ जाते हैं, तुर्की। तुर्की में जो भी हालात चल रहे हैं, इंडिया से हेल्प ले रहे हैं सारी, हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं तुर्की मुसलमान हमारा भाई, चाइना से हमालिया से भी बुलंद दोस्ती। मैं भी कोई कुछ कह दूंगा, आप इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट भी नहीं कर सकते। मैं चलाऊंगा 50-80 आदमी लेके आप जा रहे हैं वहाँ पर उनके मरे हुए से खाना खाने के लिए उनके साथ, ये कोई तरीका यार? कोई किसी घर आएगा वो आप उसका प्रोटोकॉल लेंगे? ऐसा नहीं करें, हमारा पाकिस्तान तो वो है ही नहीं यार जो पहले पाकिस्तान था। सर ऑब्वियसली दुख होता है, डू नथिंग लुक बिजी वाला पॉलिसी है। और जिनने लाहौर नहीं देखे जम्मे नहीं, और जिसने खोता नहीं खाया वो लाहौर ही नहीं। फॉरेक्स रिजर्व अगर बांग्लादेश के देखे जाए तो वो $80 अरब पे चले गए। वो काम कर रहे, दे आर रनिंग देयर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं। उन्होंने IMF को रोक दिया। आई डोंट वॉन्ट IMF इन हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री में IMF तो यार आप यहूदियों का लोग है, आपको कर्जा देगा। और भैया IMF नहीं चाहिए, अल्लाह ने यहाँ जमीन पंजाब की जमीन सोना बनाओ तो सही। सर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो जरा अपडेट भी कर लीजिए ना खुद को। बांग्लादेश भी उसी राह पर चल निकला है, इस समय है ना $80 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन उसे भी IMF से लोन लेने की जरूरत पड़ गई है और IMF ने लोन सैंक्शन कर दिया है $4 बिलियन का, क्योंकि बांग्लादेश की आदतें भी ना थोड़ी बिगड़ रही हैं। तो जल्दी ही उनको भी पता चल जाएगा कि इंडिया के प्रति जब आप चालाकियां दिखाने लगोगे तो क्या होगा। बांग्लादेश के लोगों की बात करूं, सरकार तो ठीक है अभी, बांग्लादेश के लोगों की बात करूं, एक हिस्सा, सारे बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, बांग्लादेश का एक हिस्सा है जो इंडिया से मैं देख रहा हूं कि उनके यूट्यूबर्स जो हैं वो नफरत फैला रहे हैं और वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ क्या हो रहा है ये भी हमसे छुपा नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उनके ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश में। तो जब जुल्म करोगे तो उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी ना, और भरपाई होनी शुरू हो गई। अगर बांग्लादेश के वो लोग, मैं फिर कह रहा हूँ वो लोग जो ये सब काम कर रहे हैं, अगर बंद नहीं करेंगे तो आपकी भी हालत पाकिस्तान वाली होने वाली है और इसका खामियाजा पूरे बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। वो बांग्लादेश के लोग भी जो चाहते हैं कि इन सब काम ना करें लेकिन वो चुप रहकर सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों को, और वो कुछ नहीं मजहब के नाम पर। तो यकीन मानिए कि आपकी हालत भी पाकिस्तान जैसी होने वाली है, तय कर लीजिए कि आपको बच जाना है। अभी मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बचना है तो इन सब चीजों को छोड़िए, को एग्जिस्टेंस में बिलीव कीजिए, और नहीं तो आपकी राह भी मुश्किल है। बाकी इनका भाई साहब का तो चचा जान का मैं जवाब देता हूं। सोना कहाँ बन रहा है? सारी बिल्डिंगें बना दी, फलाना सोसाइटी लोगों का कपड़े उतर गए। यार कभी किसी ने सोचा है एक ये दुकान कितनी हुई है? 10 करोड़ की। अबे भाई 10 करोड़ कहाँ से आ, व्हाट इज 10 करोड़? 10 करोड़ कमाने जाओ तो बैंक वाले टांगे तोड़ देंगे बुढ़ापे तक, पैसा कहाँ से आता है? अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम तनसीर है जी। क्या करते हैं सर आप? मैं बस प्रोफेशनल ऑडिटर हूँ। सही। मेरा सर आज आपसे क्वेश्चन ये है, IMF की टीम 30 जनवरी को पाकिस्तान आई थी और अभी तक मुजाकरात चल रहे थे, लेकिन अब बुरी तरह मुजाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ। पहला उनका मुतालबा ये था जितनी भी सब्सिडीज़ जो पाकिस्तानी आवाम को मिल रही हैं उसको ख़त्म किया जाए, और स्टार्ट में कहा जा रहा था कि 200 अरब का जो है वो मिनी बजट लाया जा रहा है, लेकिन IMF ने जोर दिया कि इसको 600-800 अरब तक जो है लेके जाया जाए। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान के इन हालात में आ गया? बहैसियत पाकिस्तानी सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जी IMF
पाकिस्तान को इस दौराने पे किसने लाके खड़ा किया कि पाकिस्तान को एक थर्ड पार्टी आके कह रही है कि जी आप सब्सिडीज ख़त्म करें। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का राइट है और पाकिस्तानी अवाम का राइट है, उनकी सॉरी ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अवाम का राइट है कि उनको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी क्यों दी जाए? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि जहाँ पर इनको तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब पाकिस्तान में एक बंदा 18-20 हज़ार रुपये जो कमा रहा है, आप मुझे बताएं कि वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। आप अपना फ्री मेडिकल नहीं दे पा रहे, आप फ्री एजुकेशन नहीं दे पा रहे, एक बिजली के रेट्स आपके सामने हैं। तो इन तमाम हालातों वाकयात के अंदर फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने आप को राइट शो करना है, तो उसके लिए सब्सिडी फिर वाहिद एक हल बचता है। अगर मौजूदा करंट टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर IMF को कह रहे हैं आप पेट्रोल बढ़ाने का कहेंगे हम पेट्रोल बढ़ा देंगे, आप महंगाई करने का कहेंगे हम महंगाई कर देंगे, आप बिजली महंगी करने का कहेंगे, और होती भी जा रही है, आप देखें तो डे बाई डे अनाउंसमेंट भी हो रही हैं। अभी रिजर्व अगर आप देखें तो हमारे $3 बिलियन से भी नीचे गिर गए हैं। बहैसियत पाकिस्तानी अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएं, उनके $570 अरब के जो है वो असासे हैं, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है। कैसा देख के लगता है आपको? सर ऑब्वियसली दुख होता है। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, मेरे फादर इन लॉ मुझे उसने बता रहे, कहते हैं कि जी एक एक रुपए का उन्होंने शायद घी खरीदा हुआ उन लोगों ने। तो यार बात करने का मतलब है कि हमारे आज ये हालात हैं कि मेरे कज़न की शादी है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, शादी हॉल करवाने की है, उस बंदे ने हमें एक रेट दिया है, और बिलीव मी रेट के दौरान उसने कहा जी कि किलो घी के पैकेट का, मुझे फ़ोन आ गया जी किलो घी का पैकेट बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे फिर? आज का जो टाइम चल रहा है ना, जो टेन्योर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है आज भाईजान, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम चल रही है। जो बंदा ओके पारे इस वक्त में सर्वाइव कर सकता है वो ही कर रहा है। गरीब तो बेचारा पिस ही रहा है, आवाम तो मेजॉरिटी हमारी पिस रही है, क्योंकि हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन का, अब तो मैं पॉवर्टी लाइन से बिलो ही कहूँगा, आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि नहीं हालात उस तरह के। लेकिन देख लें फिर भी चहमा गहमी तो आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह कि आवाम गरीब भी है, लेकिन उसके बावजूद शॉपिंग मॉल और हर जगह भरी हुई है। ये मुझे ये बताएं, इस टाइम तुर्की के अंदर जो हालात चल रहे हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से जो है वो मदद की गई है तुर्की के सिटीजन्स की, और तुर्की ऑफिशल्स ने भी उन्हें मतलब इंडिया तुर्की भाई भाई के नारे लगाए हैं, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं खुद तुर्की जाऊँगा और जाकर वो करूँगा, उन्होंने इनकार भी कर दिया उसको। ये हम अपना इमेज पूरे वर्ल्ड में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? और ऐसे हालात जब किसी कंट्री के अंदर अमवात हो रही थी, वहाँ पे हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि मैं जाकर ताज़ियत करूँगा, ये इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर जी बात बताए क्या, डू नथिंग लुक बिजी वाला पॉलिसी है। ठीक है, पाकिस्तान के जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मिनिस्टर्स एंड पर्सन इन ऑफिस राइट नाउ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोई कुछ कर रहा होता ना तो सर ये हालात ना होते। सर ऐसे ब्लंट इंडिया की तरफ से क्यों नहीं देखने का? उनके जो हुक्मरान हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स पास नहीं करते, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, किसी सहाफ़ी को वो इंटरव्यू के दरमियान में नहीं कहते प्लीज़ हेल्प अस, ये पाकिस्तान ही क्यों इस तरह की चीज़ें अक्सर मीडिया पे आती हैं? सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारा पता है क्या अलमी है, मेरा दोस्त है कैनेडा में रहता है, उसने पिछले तो मुझे एक बात भी कहता है कि यहाँ पर क्राइम रेट जो है ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर मॉल से निकलते हुए एक बच्चे को स्टैब कर दिया गया जो कि अफगानी सिटीज़न था, बाय मतलब पेरेंट्स की तरफ से वो एक अफगानी था, लेकिन वो पैदा वहीं हुआ, जवान वहीं हुआ, वो कत्ल हो गया बेचारा बच्चा। अब हमारे यहाँ पर आप ये वाक़यात बहुत रेयर सुनेंगे, लेकिन हमारा मीडिया जो है उसका भी कुछ रोल है। UAE में एक बिल्डिंग में आग लगी और एक बंदे ने वीडियो बनाना शुरू करी, अजमी था एक मतलब आउटसाइडर था, उसने कैमरा छीन लिया, उसने कहा ये क्यों बना रहे हो? लोग अपने इमेज के ऊपर काम करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। हम लोग सर मीडिया को आउटस्पोकन शो करके तो हमने सर अपनी आवाम का बहुत नुकसान किया। सर मुझे ये बताएं मौजूदा करंट टाइम के अंदर हमारा नेबर कंट्री इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया? सर मेरे चचा को एक बंदे ने कहा था कि मेरे चचा ने एक बंदे को कहा कि जी मैं रेस में बहुत पीछे हूँ, तो उस बंदे ने आगे से कहा था भाईजान आप रेस में ही नहीं, हम तो सर उस रेस में नहीं जिसमें इंडिया इस टाइम शमूलियत कर रहा है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये है कि अल्लाह पाक आसानी करे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सर, अभी भी नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं बिगड़ा, IMF जो है वो बिगड़ने से मेरा मुराद है कि अगर हम लोग अभी भी राइट ट्रैक पे चढ़ जाए ना तो चले, जो हम पीछे रह गए ना, उम्मीद है कि चले आहिस्ता आहिस्ता फासला कम किया जा सकता है, 10-15-20 सालों में हो सकता है कि शायद हम भी
बेहतर कंडीशन में आ जाएं। सर आपको नहीं लगता मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान देखें तो वो भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है। उधर आप बलूचिस्तान में चले जाएं वहाँ पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, अब कराची के अंदर लोग उठ के जो है वो नारा लगा रहे हैं, यहाँ पर तो पाकिस्तान बचाने के ऊपर वो हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सर मैंने देखिए जो मैंने बिगड़ा नहीं कहा है, मैंने बिगड़ा इस सेंस में नहीं कहा कि बिगड़ा नहीं, बिगड़ा बहुत कुछ गया है, मैं इस सेंस में बिगड़ा कह रहा हूँ कि अगर आप अब भी राइट ट्रैक पे चल पड़े तो आपका आगे जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना है उस बिगाड़ से आप शायद बच सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि बिगड़ा नहीं, बिगड़ा है, जिस तरह आप बलूचिस्तान कोट कर रहे हैं, आप कराची कोट कर रहे हैं ना, मैं उसी सेंस में बात कर रहा हूँ, उस हालात तक जाने तक ना वहाँ पर वो जो ना वो अल्टीमेट ख़त्म है, उससे पहले पहले अगर आप कुछ बेहतरी की तरफ चल सकते हैं तो शायद कुछ मुल्क का आवाम का भला हो जाए, अदरवाइज तो सर आपके सामने हालात है। मेरे से क्या बेहतर होता अगर तुर्की की तरफ से तुर्की पाकिस्तान भाई भाई के नारे लगते, अच्छा लगता आपको? सर बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर हमने अपने दुश्मन खुद बनाया ना। सर हम कहते हैं चाइना से हमारी दोस्ती, हमालिया से बुलंद पहाड़ों की, तुर्की हमारा मुस्लिम कंट्री, हमारा भाई है, इस तरह की स्टेटमेंट्स वो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं पास करते, पाकिस्तान ही क्यों सब पे पास करता है? सर ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है ना उनकी, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं। सही बात यह कि मैं एक बदमाश का या एक डॉन का सपोज अगर दोस्त हूँ ना तो मैं बोलूँगा वो मेरा दोस्त है। हाँ मज़ा तब है कि वो बोले कि ये मेरा दोस्त है। चाइना नो डाउट, जब चाइना हमारे साथ जब वो लोग आते हैं, उनके गुजरा आते हैं, उनके मामला होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा दोस्त है, बट पाकिस्तान। अच्छा देखिए भी एग्जांपल भी दिया तो गुंडे का दिया इन्होंने कि डॉन का दिया उन्होंने, एक एग्जांपल ये भी दे सकते थे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, मैं कहूं कि मैं उसका दोस्त हूं, कल को वो बिजनेसमैन कहे कि नहीं नहीं वो मेरा दोस्त है, मतलब बाहुबल का दिया कि जी, मतलब माइंडसेट, जो जिस माइंडसेट की बात करता हूं मैं उसी माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि एग्जाम्पल भी आया तो गुंडे बदमाश का आया। पाकिस्तान हमेशा कह रहा होता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हमें भी वही बात है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, हमें अपने फाइनेंस के इश्यूज को, हमें एज ए होल गवर्नमेंट के जो ऑपरेशनल जितने भी मामले हैं उनको कवर अप करने की जरूरत है, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। सर मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर मेरा आपसे करंट टाइम के अंदर क्वेश्चन ये है, अभी IMF की टीम पाकिस्तान आई हुई है 30 जनवरी से, अभी तक मुज़ाकरात तय नहीं हो पा रहे, हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो सब्सिडी ख़त्म करने का कह रहे हैं, अगर हम सब्सिडी ख़त्म कर दें तो आवाम तो जूते मारेगी हमें, लेकिन IMF भी इस बात पे बजिद है, पहले 200 अरब का कहा जा रहा था मिनी बजट लाने का, अब उसको 600 अरब और 800 अरब तक लेके जाने का सोचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तानी आवाम के साथ? सर वैसे मैं आपको बता दूं कि IMF ने जो कहा है ना उस पर पाकिस्तान की सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है, और यकीन मानिए IMF के इशारों पर आप लोग अभी और नाचेंगे नाचेंगे भंगड़ा करेंगे, जो कहेगा वो करेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, 1 मार्च और 1 अप्रैल, ये 2 तारीखों को याद रखिएगा, ये 2 तारीखें इतिहास बनाने वाली हैं। क्यों? आपके बिजली के रेट्स बढ़ने वाले हैं, खबर शायद पता नहीं पाकिस्तान की जनता तक नहीं पहुंची लेकिन यहां तक पहुंच गई है, आपके बिजली के रेट बेतहाशा बढ़ने वाले हैं, आप जो गैस का इस्तेमाल करते हो उनके रेट बढ़ाने का बकायदा फरमान आ चुका है, उनके रेट 30% से लेकर और 124% तक बढ़ाए जा चुके हैं और ये जल्दी ही इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, इसलिए मैं उन दोनों तारीखों की बात कर रहा हूं। आप पर इसके अलावा और ज्यादा टैक्स लगना है, आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी है, हो सकता है 50-50, 60-60 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए एकाएक, तो इसके असर में पता है क्या होगा? इसका असर आपकी जो रोजमर्रा की चीजें, खाने वाली चीजें हैं, वो और ज्यादा महंगी होने वाली हैं। तो अभी आप जो महंगाई झेल रहे हो ना, ये महंगाई समझ लो कुछ भी नहीं है, महंगाई का असल रूप अभी तो आना बाकी है, देखते रहिए। अभी IMF ने कभी लालू खेत आके नहीं देखा, कराची आके नहीं देखा कि कराची का क्या हाल किया हुआ, सही ये नहीं देखा कराची, हमारे हालत हमने खुद बनाए हुए ऐसे, आपकी हुकूमत बैठी हुई है कुछ भी नहीं जेब में, सही बैठी हुई है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, कंपनी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। एक पुलिस वाले से बात करें कितनी आपको बेइज्जती करेगा वो, ये सब चीज़ कैसे सही होगी? अभी एक साहब ये कह रहे थे कि दूसरे लोग हमें सही कह रहे थे, वो
कि दूसरे लोग हमें क्यों अच्छा कहें, हम अच्छे किधर हैं, पहले जैसे लाहौर ही है। मेरी ज़िंदगी होगी लाहौर में आते हुए, बुढ़ा हो गया मैं, आज के लाहौर में और पहले जैसे लाहौर में कोई फ़र्क है? फ़र्क है, पहले तमीज़ तहजीब थी, अब बदमाशी है, अब बदमाशी है, लोगों की जेबें कट रही हैं, ये जेबें छमाले बैठे हुए हैं। ऐसा कहाँ चला गया सर? इंडिया इस टाइम हंस रहा है हम पे कि कायद ने जो 1947 में पाकिस्तान बनाया था, क्या वो आज के दिन के लिए बनाया था? इंडिया हंसता रहेगा हमेशा, इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया सिर्फ भभकियाँ मारता है। हिंदू हमसे मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। आप कर लो, 570 अरब डॉलर के असासे हैं, मतलब फॉरेक्स रिजर्व हमारा 3 अरब डॉलर भी जो है इस टाइम गिर गया है। हिंदू हमसे मुकाबला नहीं करेगा। मैं आपकी बात से चले मुस्लिम कंट्री पे आ जाते हैं, तुर्की। तुर्की में जो, अच्छा छोड़िए सर, ये जो मैं कहता हूँ ना, ये झूठी शान। अच्छा, हिंदू मुकाबला नहीं कर सकता आपका? आप पढ़े लिखे हैं ना अपने आप को, आपने साबित कर दिया कि आपने पढ़ाई लिखी जो मदरसे में की है, गुड़ गोबर कर दिया आपने पढ़े लिखे होने का। हिंदू मुकाबला नहीं कर सकता तो वो हिंदुओं के आगे 93,000 आपके फौजी लेटे हुए थे जिनकी पैंटें खोली गई थी, वो कौन थे? हिंदू अगर मुकाबला नहीं कर सकता तो, हिंदू अगर मुकाबला नहीं कर सकता तो 75 साल में 3 जंगें आपने लड़ी कश्मीर के लिए, कश्मीर ले क्यों नहीं लिया आपने? हिंदू अगर मुकाबला नहीं कर सकता क्यों नहीं ले लिया? हिंदू अगर मुकाबला नहीं कर सकता तो आज अपनी औकात देख लीजिए और भारत की औकात देख लीजिए। आज हर जगह भारत की औकात आपसे कहीं ज्यादा, हजारों किलोमीटर में ऊपर है। आपके पास $3 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं और हमारे पास करीब करीब $600 बिलियन के पास रिजर्व है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व। आपसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है हमारी, आपसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है हमारी, आपसे ज्यादा रिकॉर्ड्स हमारे नाम पर हैं। हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज वाले देश हैं। आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है पाकिस्तान में। और बात करते हैं हिंदू आपसे मुकाबला, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता यार, लीचड़ों से क्या मुकाबला करना, क्या मुकाबला करना लीचड़ों से? वे हालात चल रहे हैं, इंडिया से हेल्प ले रहे हैं सारी, हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, तुर्की मुसलमान हमारा भाई, चाइना से हमालिया से भी बुलंद दोस्ती। मैं भी कोई कुछ कह दूंगा, आप इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट भी नहीं कर सकते। मैं चलाऊंगा 50-80 आदमी लेके आप जा रहे हैं वहां पर उनके मरे हुए से खाना खाने के लिए उनके साथ, ये कोई तरीका यार? कोई किसी घर आएगा वो आप उसका प्रोटोकॉल लेंगे? ऐसा नहीं करें, हमारा पाकिस्तान तो वो है ही नहीं यार जो पहले पाकिस्तान था। लाहौर लाहौर है, अब कहाँ लाहौर है? और जिनने लाहौर नहीं देखे जम्मे नहीं, और जिसने खोता नहीं खाया वो लाहौर ही नहीं। क्या जिसने लाहौर ना देखा वो लाहौर ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। बड़ा ओवर रेटेड कर दिया गया लाहौर को यार। मैंने लाहौर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे लाहौर के वीडियो देखे, मुझे कोई फर्क नहीं दिखता अपने अमृतसर में और लाहौर में, मुझे कोई फर्क नहीं दिखता चांदनी चौक की गलियों में घूमते हुए और लाहौर में, कोई फर्क नहीं दिखता मुझे। इनफैक्ट ये ज्यादा मुझे अपने शहर जो हैं ये ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं, ये ज्यादा क्या कहें कल्चर के हिसाब से ज्यादा बहुत शानदार दिखते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी जबरदस्त दिखती है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर के लोग मेहमान नवाज नहीं होंगे, होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाहौर नहीं देखा तो आपकी जिंदगी खराब हो गई। मैं तो कहता हूं कि आपने अमृतसर नहीं देखा, आपने दिल्ली नहीं देखा, आपने पूरा इंडिया नहीं देखा तो आपकी जिंदगी खराब होगी, मैं तो ये कहता हूं। हम एक दो शहर छोड़िए, हम तो पूरे इंडिया को कह रहे हैं। ये फर्क, दिस इज द फर्क, दिस इज, मैं इंजीनियर हूं बेसिकली, ये फर्क है। हम अपने आप को सुधारे हैं, तालीम है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं, इंस्टीट्यूट खुले हैं यहां से लगा वहां तक, PA TA CA PA TA, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? आप तो तालीम हासिल की है आपने, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि हिंदू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तालीम आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाती है, आपको अच्छा इंसान एक सोच बनाती है, और आपकी सोच बता रही है कि आप बहुत घटिया इंसान हो। जैसे ही आपने ये बोला कि एक हिंदू हमारा मुकाबला करेगा, हिंदू का मुकाबला कर सकता है हमारा, बस उसी समय आप साबित हो गए कि आप वही पहले होता था यार। अभी जितने लोग खड़े से पूछे करेंसी बताओ किसकी करेंसी कहाँ है, कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज दे डोंट नो। इसलिए आप तालीम पर जोर दें, अपने आप को वो बुरा कह रहे हैं, इमरान खान को ये बुरा कह रहे हैं, उनको ये, व्हाट इज दिस यार, दिस इज यार। सर एक टाइम में हम मजाक उड़ाते थे ये चीज टके की भी नहीं है, अब बांग्लादेशी टका भी हमसे डबल हुआ हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व अगर बांग्लादेश के देखे जाए तो वो 80 अरब डॉलर पे चले गए हैं। वो काम कर रहे हैं, दे आर रनिंग देयर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने IMF को रोक दिया। आई डोंट वॉन्ट IMF इन हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री में IMF तो यार आप यहूदियों का लोगे आपको कर्जा देगा, और भैया IMF नहीं चाहिए, अल्लाह ने यहाँ जमीन पंजाब की जमीन सोना बनाओ तो सही,
सोना कहाँ बन रहा है, सारी बिल्डिंगें बना दी, फलाना सोसाइटी लोगों के कपड़े उतर गए। यार कभी किसी ने सोचा है एक ये दुकान कितनी होगी, 10 करोड़ की। अबे भाई 10 करोड़ कहाँ से, व्हाट इज 10 करोड़, 10 करोड़ कमाने जाओ तो बैंक वाले टांगे तोड़ देंगे बुढ़ापे तक, पैसा कहाँ से आता है, सब चोरी का। सिंसियरिटी खत्म हो गई। सर हमारे वजीर आजम साहब ने स्टेटमेंट पास की थी, मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, आपको नहीं लगता उसने आवाम के कपड़े उतरवा दिए? मैं कराची से आया हूँ भाई, कपड़े कहाँ उतरे, तो पहले हमारे कपड़े उतर रहे यहाँ पर, ये तो हमारे कपड़े उतर रहे। वजीर आजम साहब बहुत अच्छे थे जब तक वो लाहौर के अंदर थे और उनका एक ओमान था, अब खत्म हो गया वो। अब आए जरा कराची, आए जरा देखे आके कराची को, गु हो गया कराची, और कराची माई बाप है पूरे पाकिस्तान का। कोई भी आ जाए कराची खूब खिलाएगा, भर के खिलाएगा, हमेशा खिलाएगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है कराची बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कराची का हालत तो देखो जाके यार। क्या मुस्तकबिल में भुट्टो को आना चाहिए, किसको आना चाहिए? मुस्तकबिल में वो लोग आए जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले पढ़े लिखे लोगों का इम्तिहान होता था। लाहौर वाले लाहौरियों को देखो कितना पढ़ते दे पढ़ते, आज लाहौरी के इधर इंस्टीट्यूट डिग्री ले ली, सर मैंने ले लिया, अभी ये क्या है बेटा, आज वो चीज़ ख़त्म। पढ़ने वाले एक ज़माने में आप भी याद है, यहाँ के कॉलेज देखें ना जाके थोड़ा सा आगे, हमारे ही बाप दादा यहाँ से नाम लेते थे कि करी लाहौर है, वो चीज़ वापस लाएं, आपकी करेंसी आपकी अपनी है, एग्रीकल्चर लैंड है। मुझे ये बता दें भारत मौजूदा करंट टाइम में पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया एजुकेशन में? तो ऑलरेडी वो आगे है आपसे टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द बेस्ट हर लिहाज से। थोड़ी सी आप उसको फैसिलिटी दे, अभी देख ले सर, दे ना, लेकिन मिलती नहीं इधर, मिलती नहीं तो क्वालिटी का ही है। चले ओके सर, थैंक यू सो मच। तो भाई जब ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे जैसे आप ही के जैसे लोग आए हैं जो नेता पीएम बन रहे हैं, तो वैसी बातें करेंगे। हिंदू कुछ नहीं हमारे आगे यार, एक मुसलमान 10 हिंदू पे भारी। खैर अपना अपना माइंडसेट है और इसका रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट यह है कि हम एक साथ सबको लेकर चलते हैं, आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ सिख रहते हैं, हमारे यहाँ ईसाई रहते हैं, हमारे यहाँ हर धर्म के जैन धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और सब मिलकर काम करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज इंडिया का सितारा पूरी दुनिया में चमक रहा है, और आपके झंडे में बस सितारा है, बाकी तो सितारा जो है बुझ चुका है। तो देखिए बात यह है कि सिर्फ बोलने से, कहने से, सोचने से नहीं होता है, उसको करके दिखाना पड़ता है, आपको उसको जमीन पर उतारना पड़ता है जो आपने सोचा है। और 75 साल में पाकिस्तान ऐसा कुछ कर नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया पाकिस्तान। इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है तो इंडिया के लोगों की वजह से बढ़ रहा है, इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है तो इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यू की वजह से आगे बढ़ रहा है, इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है तो इंडिया की जो लीडरशिप है पिछले 75 साल में वो कुछ ना कुछ देकर गई है। सही गलत फैसले होते रहते हैं लेकिन ज्यादातर फैसले हमारे सही हुए हैं, जिसकी वजह से, और ये फैसले सही इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके पास विजन था, और अभी जो लीडरशिप है उनके पास भी विजन है, वो कुछ ना कुछ देकर जाएंगे और दे रहे हैं, उसका असर चारों तरफ दिख रहा है। आज हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, आज हमारे देश में रेलवे का कायाकल्प हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार चल रही है, वर्ल्ड क्लास की ट्रेन है। अगले कुछ सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन आपको इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर दौड़ती हुई नजर आएगी। हमने करीब करीब कुछ हिस्से बचे होंगे, कुछ परसेंट बचा होगा, रेलवे को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है हमने, बिजली से चलती है अब हमारे यहां, अब तो सीएनजी से चलने वाले रेल इंजन हमने बना लिए हैं जो सीएनजी से चल रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी में भी ग्रो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में। खैर देखिए अब इसका कोई वो नहीं है। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।